guys, welcome back to my channel. This is Sukmini Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. So कैसे हैं आप सब लोग guys? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. आप सबको मैं बहुत 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 सारा प्यार भेजना चाहती हूँ guys. जितने भी मेरे viewers हैं, मेरे subscribers हैं, मेरे commenters हैं जो कि comment करते हैं, इतने प्यारे प्यारे मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी सुंदर सुंदर mails भेजते हैं. आप सब लोगों की mails मैं पढ़ती हूँ. इतनी blessings आप मुझे देते हैं, इतने सुंदर सुंदर messages, आपके comments भी आते हैं. आप सबको मैं दिल से thank you बोलना चाहती हूँ गाइज, और आप सबके लिए बहुत बहुत सारी प्यारी विशेज भेजना चाहती हूँ. आप सब बहुत खुश रहें, आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और सब आपको खुशियाँ खुशियाँ मिलें. तो गाइज इसी पॉजिटिव नोट पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप की जो पर्सन है उनका थर्ड पार्टी के साथ क्या कनेक्शन चल रहा है, उन दोनों के बीच में एक्चुअली हो क्या रहा है वो हम चेक करने वाले हैं. उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है. ये काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं गाइस, तो आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करना चाहती हूँ. ये टॉपिक मैंने आज के लिए सोचा, ठीक है. आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा. अगर आपकी कोई अपनी रिकमेंडेशन है, कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो करूं, आप मुझे डेफिनेटली उसके बारे में बता सकते हैं. मैं उन टॉपिक्स को चूज़ कर सकती हूं, ठीक है, और उसके बारे में ज़रूर रीडिंग कर सकती हूं. सो गाइज ये जनरल रीडिंग होती है. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग आपके लिए और आपके पर्सन के लिए स्पेशली पर्सनलाइज होती है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे पर्सनल स्लॉट के लिए डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होती हैं, नंबर्स यहाँ पे वीडियो पे भी फ्लैश होते हैं, वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप कोई तरीके की हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं, कोई रेमेडीज चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. आप चाहें तो आप प्रे कर सकते हैं अपने जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से, जो भी आप, जैसे भी आप चाहते हैं, सभी एक हैं, ठीक है. आप जिसमें भी बिलीव करते हैं और अपने जो गुरु हैं, जिनसे भी आप चाहते हैं कि हाँ उनसे प्रे करें, आपको आपका राइट गाइडेंस मैं दे पाऊँ, तो आप प्लीज़ प्रे करें. वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स, द सेकेंड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, द थर्ड इज टू ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सो सॉरी, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, Queen of Wands. Okay, so guys, bottom of the deck Ace of Wands. यहाँ पे guys आपके और आपके third party के बीच की situation के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. तो यहाँ पे guys मुझे ऐसा लगता है कि आपके person और third party का जो relationship है वो बहुत लवी डवी चल रहा है. चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरीके से चल रही हैं, जैसे कि बहुत प्यार है और इन दोनों को तो जैसे कि एक दूसरे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा हो, ठीक है. इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो है प्यार वगैरह चल रहा है, इंटीमेसी चल रही है, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, प्यार का इजहार होता है, और इनको इस तरीके से लगता है कि शायद इनको इनके पार्टनर जो हैं वो मिल गए हैं. ओके, इनके सोलमेट जो है वो मिल गए हैं, इस तरीके की इनको फीलिंग आती है. ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है गाइज. तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, जो आपके पर्सन है वो हो सकता है कभी कभी जो है उनके क्लैशेस इनके साथ हो रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से में वो आ जाते हैं, थोड़ा सा इस तरीके की प्रॉब्लम इन दोनों की हो जाती है कि आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है या ये थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं. बट यहाँ पे मैं बोलूँगी ये जो थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, ये भी जो फीमेल हैं इस उसमें वो भी थोड़ी डोमिनेटिंग है, वो भी अपनी चलाती हैं. मे बी उनकी लुक से ये इंसान बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं, जो आपके पर्सन है मे बी इनकी लुक से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है. और ये
इन पे ही जैसे कि पागल हो गए हैं इनकी फिजिकल ब्यूटी को लेकर, इनके इनके साथ जिस तरीके से ये तैयार होती हैं, जो इनको ये बोलती हैं, बट दिस पर्सन इज लाइक वेरी डोमिनेटिंग, जो इनकी पार्टनर हैं अब, ठीक है, जो थर्ड पार्टी हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग है और वो उनको अपने कंट्रोल में रखती हैं। अब इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एज गैप काफ़ी ज़्यादा है, इनके बीच में एज गैप है और थर्ड पार्टी की ये बातें जो है काफ़ी हद तक सुनते हैं, थर्ड पार्टी इनको समझाते हैं, बुझाते हैं, इनकी आपस की बातचीत चलती है, ठीक है, मे बी इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं थर्ड पार्टी जो है, ठीक है। ये आपके बीच में देखिए कैसे आई हैं, आप दोनों थे और आपके बीच में थर्ड पार्टी कैसे आ गई, ठीक है, जब आप इनको कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे, आप इनको साथ के लिए बोलते होंगे, आप इनको रहने के लिए बोलते होंगे, तो ये शायद कमिटमेंट नहीं देते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, थर्ड पार्टी ये रही, थर्ड पार्टी के ये थर्ड पार्टी की बातें सुनते थे, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट देने के लिए इनकार इन्होंने किया। तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो है मुझे ऐसा लगता है इन दिन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस भी काफ़ी हो रही है, इनको भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, इनको भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। बट हाँ, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ऐसी है कि आपकी अच्छी चली चलाई चीज़ को भी जो कि अलग करके चले गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसकी काफ़ी सुनी और आपको इन्होंने इग्नोर करा, ये आपको लेकर दो माइंड्स में थे, क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे थे, ये कभी आपके पास आते थे तो कभी उनके पास जाते थे, कभी आपके पास आते थे कभी उनके पास जाते थे, तो ये क्लैरिटी नहीं थी इनको, इनसे बैलेंस नहीं हो रहा था। तो जब भी इंसान से बैलेंस नहीं होता, उसको क्लैरिटी नहीं होती, तो एक ना एक चीज़ तो ज़रूर छूटती है, राइट, हम दोनों चीज़ों को तो साथ लेकर नहीं चल सकते। तो वही इनके साथ हुआ, एक चीज़ छूट गई, एक चीज़ को छोड़ना पड़ा और एक चीज के साथ रहना पड़ा, इस तरीके की इनकी सिचुएशन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पे इतना ट्रस्ट भी ये नहीं करते हैं और थर्ड पार्टी को लेकर ना इनको शक भी रहता है, इनका ध्यान भी थर्ड पार्टी पे काफी रहता है कि वो मुझे जो है मेरे को झूठ ना बोल दें या मेरे को डिसीव ना कर दें। तो ये पूरी निगरानी मुझे लगता है थर्ड पार्टी पे आपके पर्सन रखते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल इनके बीच में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में एक वो प्यार भरी फीलिंग आती है, फिर कभी गुस्सा आ जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी, ठीक है, उथल पुथल चीज़ें हो जाती हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। आप देखिए जगल कर रहे हैं आपके पर्सन, अभी भी इनका ध्यान आप पे है, जैसे अभी भी ये दो चीज़ों को लेख कर अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी ये ऐसा नहीं है कि फॉर्म, अभी भी इस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम्स आई हैं इनके रिलेशनशिप में, भी अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी सब कुछ चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं। कभी इनको ये फीलिंग आती है कि हमारा एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप है, और ऑन दी अदर हैंड जब इनको कमिटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे थोड़े से नॉन कमिटल दिख रहे हैं, ठीक है, जब इनको कमिटमेंट देने की बारी आती है, हमेशा साथ निभाने की बारी आती है, तो ये इंसान जो है ना इस लवर के कनेक्शन से ये मून के कनेक्शन में आ जाते हैं, फिर ये डेथ आ जाता है, राइट। इस तरीके की सिचुएशन आपकी और सॉरी आपके पर्सन की और इनकी थर्ड पार्टी के बीच में चल रही है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली इनके बीच में आ रहे हैं। बट हाँ, ये फेज जो इनका थर्ड पार्टी के साथ है ना, इनको अकल दे के जाएगा, ये इनको अकल सिखाकर जाएगा, और फिर इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली आई एम गोना टेल यू कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो एक इक्वेजन है, कभी कभी तो इनकी बहस होती है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बट कभी ये देखिए, ये जो है ना थर्ड पार्टी की वो है एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग है, हाँ अट्रैक्टिव ज़रूर है, जिससे कि अट्रैक्ट ये इंसान उनसे हो गए हैं, बट हाँ ये अपनी मनवाती हैं, थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर ये अपनी मनवाती है। अभी इनके बीच में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बट कमिटमेंट मुझे यहाँ पर कमिटमेंट बहुत वीक दिख रही है। रिलेशनशिप बीच में इक्वेशन इनकी अच्छे चलती है, बट कभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, इनका ध्यान अभी भी आप पे रहता है और थर्ड पार्टी पे भी रहता है, क्योंकि देखिए ये इंसान दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहा है, ठीक है, अभी भी ये इंसान फॉर्म नहीं हुआ, अभी भी ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, अभी भी इनडिसाइसिव है, अभी भी ये जगल कर रहा है, ये या वो, ये या वो, अभी भी ये पक्का नहीं है, उसके साथ कमिटमेंट देने को आगे नहीं बढ़ रहा, अभी भी ये बीच में रुका हुआ है, चाहता है, मे बी थर्ड पार्टी भी चाहती है कि एक नई शुरुआत करे, शायद ये पर्सन भी चाहते हैं नई शुरुआत करें, बट अभी भी ये चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी ये स्ट्रांग
नहीं है, ठीक है, अभी भी ये स्ट्रांग नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद थर्ड पार्टी भी इनको अब धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी भी इनको जो है ना चीट कर रही है, क्योंकि द मून भी यहाँ आया है, द थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ आया है। तो अब ना इनको ये पुरानी बातें याद जरूर आ रही हैं, इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, तो अब मैं एक बार ये देख लेती हूँ कि इनिशियल्स क्या है आपके और आपके पर्सन के, ठीक है, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, एक तो वो देख लेते हैं और उसके बाद मैं गाइडेंस मैसेजेस भी देखूंगी। सो द फर्स्ट इज ओ, देन वी हैव बी, एम, जेड, एन, एच, ई, एस, क्यू, वी एंड द लास्ट इज जे। ओके, ये आपके आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं या सरनेम का भी फर्स्ट लेटर हो सकता है। ओके गाइज, अब मैं यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं, आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं, गॉड से, यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, दो मैसेज आए हैं, यू आर हीलिंग, सो यू आर हीलिंग, आप हील हो रहे हैं। ओके, ये आपका जो एक फेज है ये हीलिंग का, हीलिंग हैपेंस इन सीजंस, इट कांट बी रश्ड और फोर्स्ड टू फिट अ शेड्यूल, सो ऑफ्टन वी कर्स द सीड दैट वी हैवंट टेकन रूट, Fallen to realize it's not their time. They need more water, sunlight and care. Bullying ourselves block regeneration. Also, sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There's a much deeper healing going on. We be patient. You are healing, dear one. Wow, कितना सुंदर मैसेज है। तो गाइज यहाँ पर ये चीज आ रही है, काफी लोग यहाँ पे ये चीज सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, चीजें खराब हो रही हैं, सब कुछ खराब हो गया। ऐसा नहीं है गाइज, आप एक्चुअली हील कर रहे हैं। आपके अंदर से जो पुरानी चीजें, बुरी चीजें हैं ना, वो आपके जख्म जो है ना, जब चोट लगती है हम दवा लगाते हैं तो वो जख्म भरते हैं, ठीक होते हैं, हील होते हैं, वैसी ही यहाँ पे सिचुएशन है। आप ये ना सोचें अरे चीजें ब्लॉक हैं, अरे सब कुछ हो ही नहीं रहा, क्या पता आपको थोड़ा ज्यादा, जब हम एक एक बीज को भी बोते हैं तो हम देखते हैं अरे बड़ा नहीं हो रहा, उग नहीं रहा, उग नहीं रहा, उग नहीं रहा, अरे वो इसलिए नहीं उग रहा क्योंकि आप उसको सही तरीके से पानी नहीं दे रहे, क्या पता उनको ज्यादा पानी की जरूरत हो, क्या पता ज्यादा सनलाइट, ज्यादा केयर की जरूरत हो। तो वैसे ही आपके साथ है, क्या पता आपको ज्यादा केयर की जरूरत हो, आपको, आप अपनी नीड्स देखें, उसको फुलफिल करें, तभी आप हील होंगे एंड यू आर एक्चुअली हीलिंग। आप अपने आप को बार बार प्रेशर देते रहेंगे ना तो आप कभी भी हील नहीं हो सकते, आप जेन्युइनली हील हो रहे हैं। आप फोकस करें अपने ऊपर और थोड़ा सा पेशेंट रहें, क्योंकि गाइज यू आर हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है। वाव, टेल द ट्रूथ, दूसरा कार्ड आया है टेल द ट्रूथ, तो आपको खुद से सच बोलने की जरूरत है, जो आपके लिए नहीं है ना वो आपको उसको ना बोलना है। आप देखें कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने आप से भी झूठ नहीं बोलना, ना ही किसी से झूठ बोलना है। जो आपके लिए ठीक है वही आपको ठीक बोलना है, जो गलत है उसको आपने गलत बोलना है। ये दो मैसेजेस आपके लिए आए हैं। ओके, ठीक है गाइज, तो अब हम ये देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर आपको क्या बताना चाहते हैं रोमांस एंजल्स। Past life relationship, you have known each other before. Guys, ये जो relationship है आपका past life relationship है, ये इस जन्म का रिश्ता नहीं है, पिछले जन्म का रिश्ता है और आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये आपको आपके angels बोल रहे हैं। ओके, ये आपको एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप अगर आपको रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, बाय, टेक केयर।